फॉर्म था वो पूछ लिया। आराध्या का नंबर सबसे पहली पर्ची पे आराध्या था। हाँ, क्यों मेरे में डबल ए है। डबल ए ये भी हो सकता है, मुझे लगा ये है कि आराध्या को सबसे पहले उसकी माँ से मिला है। आराध्या तूने ये सुना कि फोन पर आराध्या को बुलाएगा तो तूने कितनी खुश हुई? बहुत, मैं भागी गई। भाग रही थी यार, थक जाती तो जाती बिल्कुल एंड में है ना इसका, तो बिल्कुल कोने में है सबसे लास्ट है इसका। मेरी बेटी कमजोर हो गई है। ठीक है, हम घूमने जाएंगे। झटपट दोनों को सुते है, देख ले इसके दांत सड़ गए तेरे याद में। देखेंगे ला रहे तेरी मैंगो वाइट ले मेरे। खाली वो तो कैसी लगी, कैसी लगी बता दो। मैंने बताया था इसको, हम वाटर पार्क घूमने जाएंगे। कहाँ के जाएंगे वो हम सुन प्लान करेंगे। आज तो यहाँ पे स्विमिंग चालू हो गई थी। हाँ, मैं तो करती भी हूँ। मेरा स्पोर्ट्स ही स्विमिंग है। स्कूल कैसा लगा? अच्छा, टीचर्स अच्छी? बहुत बहुत। हाँ, मेरी सब ज्यादा टीचर तो आपको ही जानती है। और एक्टिविटीज कैसी थी स्कूल में? प्रिंसिपल मैम की जो है ना, जो उनके साथ रहती है वो भी आपको जानती है। और आपको स्कूल में मजा आया पढ़ के? पढ़ाई की पता चले एक्टिविटी की पढ़ाई ना की। आरा इंटेलिजेंट है, आरा मैथ में बहुत इंटेलिजेंट। आप इस अपनी क्लास में भी मैथ में इंटेलिजेंट हो? नहीं, मैथ वाली मैम भी आपको रखती है। और आप अपनी क्लास में क्या फर्स्ट आओगी, सेकंड आओगी, थर्ड आओगी? हमारे सब में एक यही भूख आ रखी है। सब नॉर्मल है, बस इसकी भूख नहीं रुक रही है। इसने कुछ दे दो। अरे आरा वो ना, हम सोच रहे हैं, मैंने पूरे दिन से जूते पहन रखे हैं। काट दो, निकाल दो, मेरे ऊपर पांव रख लो। ओ क्या हुआ? आरा के भाग जा। अब तुम अपने कपड़े खुद ही पहन, मैं बदल लेती हूं। आरा ओके हम चलते पेप्सी और बर्गर लेके रास्ते से। कोई बात नहीं, मामू मेरे को घर पे खिला देंगे तेरा क्या बड़ा। अच्छा आ रहा चिकन हो तो। इसने निकलते मुझे खा, जब मैं स्नैक्स ले रही थी, बोली कि मामी क्यों नहीं आई? मैंने कहा गाड़ी में जगह नहीं थी। मामी फिर दुकान कौन देखता बेटा, एक तरह नाना छोड़ कर एक तेरी मामी छोड़ कर हम तेरे अपने आ गए। देखो इसके ओट, देखो इसके ओट, देखो कैसे बना रखे हैं। क्यों बनाए? मामी आई एम वेरी हैप्पी। आर यू हैप्पी? तुमको दिखा के तुम्हारे एक्चुअल रिएक्शन। आपने बोला था आप कभी आप मेरे लिए रोगे नहीं, पर आप तुम यहाँ पे मेरे को छोड़ने के लिए आए थे तब मैं सो रही थी, तब आप रोने लगे। अब तो मैं हंस रही हूँ। मुझे मेरी बेटी को छोड़ने होंगे तो रोना तो आएगा। जैसी बच्ची को छोड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, आप लोग ये कह रही है, आपने कसम मुझे बोला था आप कभी रोओगे नहीं, अब मुझे रोना नहीं आएगा मैं आरा को छोड़ूंगी तो? अब मैं रो रही हूँ रो रही थी बुआ। नहीं आते, मतलब नहीं रोती थी, नहीं रो रही थी। अरे इसने तो सिर तरफ
लागना उस तरफ लागेगा, ये उस तरफ की तरफ चमचा है चमचा। आ राजा मैं तो कति नहीं अब रोऊंगी, अब तो मैं हंसती रहूंगी तुम्हारे लिए। अब तू जो रुलाएगी तो रुलाएगी। भाई सॉरी भाई सॉरी सॉरी भाई। बस चलो तेरे सेवन ओ क्लॉक से 7:30 तक तो शावर लेना पड़ता है या ब्रेकफास्ट के बाद शावर लेते हो? ब्रेकफास्ट से पहले शावर लेना होता है। तुम कितने बजे उठते हो? 6:30। और फिर उसके बाद कोई बीच में ब्रेक होता है, ब्रंच होता है, लंच ही होता है? हाँ? लंच होता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल से हम 8 o'clock जाते हैं और हम आते हैं 1:30 PM और फिर हमारा लंच होता है 1:30 से 2 o'clock तक। क्या लंच में? दाल सब्जी। हाँ और सब पीने के लिए कुछ। कभी कभी पिज्जा वीजा तो खिलाते होंगे कि पिज्जा वीजा खा लो या फिर कुछ कॉन्टिनेंटल खा लो, चाइनीज खा लो। चाइनीज हमको कल खिलाया गया। मंचूरियन विद नूडल, मैगी खानी है घर पे खिलाएंगे। मैगी खाने का मन कर रहा है, मैगी खानी है अभी खाएंगे। मैगी तो हवेली में, हवेली में खाना खाना नहीं खा रही है तू। ये बोली मेरे को सुबह इतना खिला देते हैं मेरा पेट भर जाता है, क्या बोलती हो बोलो? हमको सुबह इतना खिला लेते हैं इतना, मेरे को लगा था जब मैं घर पे थी इतना कम खिलाएंगे लगता है, बट यहाँ पे इतना खिलाता है मेरा पेट दर्द हो जाता है। भाई इसके हॉस्टल में इसको इतना खाना खिलाते हैं कि इसका पेट दर्द हो जाता है। हरियाणा में ये बच्ची, हरियाणा में तो दूध घी का खाना और घी वाली रोटी खिलाते हैं, घी वाली रोटी खिलाते हैं और चावल देते हैं। घी भी देसी घी है अमित यहाँ पे होगा बहन, और बटर देते हैं, बटर देते हैं, दही देते हैं और लस्सी देते हैं। गर्मी है ना, सुबह परांठे बनाते हैं, फुलके बनाते हैं सुबह सुबह। सिंपल चीज मिलती है जैसे चौकस हो गए, ठीक है चौकस हो गए, और अगर संडे हो तो आलू के परांठे मिलते हैं। अच्छा ऐसे परांठे डेली नहीं मिलते? नहीं बिल्कुल डेली नहीं मिल सकते। क्यों नहीं देते डेली? भाई बीमार खराब हो जाएंगे, हेल्थी खाना खिलाते, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा रोज खाओगे तो। आज ओट्स खिलाए थे, चौकस खिलाए, एक बार खिला भी दिया, क्यों मन भी कर गया बच्चे का, और वो भी आपसे ही अच्छा है। आज ओट्स खिलाए थे, देखो मैंने कितनी मुश्किल से ओट्स खाए थे, वेरी गुड वेरी गुड। और दूध पिया था सूखा। और तू स्विमिंग, तूने स्पोर्ट्स स्विमिंग लिया हुआ है? नहीं अभी तो हमारी 15 डेज की चल रही है। पहले मैं गई थी बैडमिंटन में, फिर मैं गई शूटिंग में, शूटिंग वाला जो हम देख के आए थे। हाँ ये शूटिंग सीख के आई है भाई, ये तो गोली काट देगी। और फिर हम स्विमिंग में गए थे, स्विमिंग में जाने के बाद फिर अभी मैं आ गई 15 दिन में गेम बता। और फिर कल जब मैं वापस आऊंगी एक बार सारे गेम करा दे, फिर बच्चे जिसमें इंटरेस्ट है वो पकड़ लेंगे। ऐसी तो है, ऐसे ही कर रहा है। मतलब वो हर जगह हर बच्चे को ऐसा है कि कहीं पे भी खड़ा कर दो बच्चे को। Exactly. उसके उसको बारे में आना। अब एक चीज बताओ, मैं तीनों स्पोर्ट्स में गई और उसमें एक ऐसी चीज होती है जिसमें अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स में आते हैं तो उसमें दिया जाता है ये हम उस बच्चे को ले या ना ले। तीनों स्पोर्ट्स वाली मैम और सर ने मेरे को भी बोला इनको लेना है। तुम हर स्पोर्ट्स में एक्टिव हो। स्विमिंग मैम ने भी कहा था।